नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एमआईजी फ्लैट रेंट के लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ही शानदार काम होके मिलने वाला है। सेमी फर्निश्ड फ्लैट होगा, इसके अंदर फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस छोड़ के आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। मॉड्यूलर किचन हो गया आपका, फ़ैन, लाइट्स और बहुत अच्छे लेवल का इंटीरियर में काम। लोकेशन की बात करते हैं, द्वारका सेक्टर 16B की बिल्कुल नई नवेली सोसाइटी के अंदर फर्स्ट मूव इन फ्लैट्स हैं ये, बहुत ही रीजनेबल रेंट पे। लोकेशन की बात करते हैं, आप मेरे सामने देख सकते हैं द्वारका सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे विजिबल है आपके सामने। और वो रहा हमारा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फेमस, सबसे बड़ा द्वारका का वेगस मॉल, जो कि PVR एंड ऑल, मूवीज़ एंड ऑल, सब कुछ आप यहाँ पे शॉपिंग सब कर सकते हैं। लोकेशन बहुत प्राइम होने वाली है। रोड साइज़ की बात करते हैं, रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, एक बार यहाँ से नीचे नज़र मारिए, कितना ग्रीन, कितना क्लीन और कितना चौड़ा रोड आपको मिलता है, कितनी बढ़िया कनेक्टिविटी मिलती है। कोई इसके अंदर दो राय नहीं है कि द्वारका एक प्राइम लोकेशन बन चुकी है अपने आप में, जिसके अंदर आपको पार्क, पार्किंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सब तरह की फैसिलिटी वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिल जाती है। इस सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें चार लिफ्ट, चार नॉर्मल पैसेंजर लिफ्ट्स और एक सर्विस लिफ्ट मिलती है अपने हर फ्लोर पे आने के लिए। 13 टोटल फ्लोर्स होने वाले हैं हमारी इस बिल्डिंग के अंदर। और जिस फ्लैट में हम आपको लेके चलने वाले हैं आज, वो एक MIG फ्लैट होने वाला है, प्रॉपर 1200 से 1400 स्क्वायर फुट का फुल साइज़ MIG फ्लैट। चलिए बिना किसी देरी के आपको लेके चलते हैं फ्लैट। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि नीचे हमारे पास सोसाइटी की जो मेन एंट्रेंस है और उसके साथ में जो हमारे पास डेडिकेटेड कार पार्किंग का स्पेस है, वो किस तरह का दिखता है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, तो आप हमें जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं एक बार नीचे और उसके बाद आपको लेकर चलता हूँ फ्लैट की ओर। की बात करते हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास यहाँ पे दो बड़े बड़े गेट मिलने वाले हैं जो कि गार्डेड हैं। यहाँ पे आपको गार्ड 24/7 मिलेंगे, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। इस सोसाइटी के अंदर जो भी टावर्स हैं, टावर ए, टावर बी, टावर सी, ये होने वाली है मेन एंट्रेंस। और इसी रोड से जाएंगे आप द्वारका सेक्टर 14 के मेट्रो स्टेशन पे। अगर हम लिफ्ट एरिया की बात करते हैं, कुछ इस तरह का हमें लिफ्ट एरिया मिलने वाला है। हर टावर के अंदर आपको 5 लिफ्ट मिलेंगी टोटल, 2 नॉर्मल लिफ्ट इस तरह की, उसके बाद 2 इसी तरह की नॉर्मल लिफ्ट और 1 सर्विस लिफ्ट, जिसका उपयोग करके आप सारा का सारा सामान अपना ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें पार्किंग किस तरह की मिलती है, एक्चुअली में पार्किंग का कितना एरिया मिलता है और क्या है कंसेप्ट यहाँ पे पार्किंग का। पार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो आपको डेडिकेटेड एक एरिया मिलता है, आपका फ्लैट के अनुसार वो स्लॉट असाइन हो जाता है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 111 सामने अगर आप देखते हैं, 111 नंबर को जो एरिया अलॉट हुआ है, उस एरिया के अंदर आप अपनी गाड़ी, अपना स्कूटर, अपना टू व्हीलर, जो भी खड़ा करना चाहें कर सकते हैं। और अगर हम रियल टाइम में स्पेस की बात करते हैं तो ये स्पेस इतना होता है कि आप एक सेडान गाड़ी देख सकते हैं, मेरे सामने खड़ी हुई है प्रॉपर सेडान गाड़ी। यहाँ पे कभी भी पार्किंग की आपको कमी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको बताया डेडिकेटेड कार पार्किंग है, और दूसरी बात Level 1 दिस इज योर स्टिल्ट पार्किंग एरिया, हर टावर के नीचे आपको एरिया मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे -1 और -2 दो नीचे फ्लोर हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ पार्किंग बनी हुई है और हर फ्लैट को एक डेडिकेटेड पार्किंग मिली हुई है। ये जो पार्क आप मेरे सामने की तरफ देख रहे हैं अभी, आपको इसका एक्चुअल जो नज़ारा है कितना खूबसूरत ये दिखता है और ग्रीन होने के बाद कितना खूबसूरत दिखेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ हमारे फ्लैट पे जाने के बाद में। सोसाइटी का ये पूरा का पूरा ओपन एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं अपने बच्चे और अपने घर वालों के साथ भी। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने फ्लैट की ओर, और उससे जाने से पहले एक बार नज़र मार लीजिए सामने, यही है वो पार्किंग में जाने का रास्ता। सामने BSES ने जो यहाँ पे प्रावधान बनाया बिजली को मैनेज करने के लिए, और ये रहा हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सोसाइटी का। चलिए चलते हैं फ्लैट की ओर। सो दोस्तों, यहाँ से होने वाली आपकी एंट्री आपके लिविंग हॉल के अंदर, ये होने वाला है आपका फ्लैट का ग्रैंड साइज का लिविंग हॉल। सबसे पहले आपको इस लिविंग हॉल के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप समझ लीजिए फ्लैट का फ्लोर प्लान किस तरह से रहने वाला है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये होती है हमारी एंट्री, ये होता है हमारा लिविंग हॉल, आपके जो गेस्ट आएंगे वो यहीं रहेंगे। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं मेरे, यहाँ पे है किचन,
जो आपका खुला ओपन स्पेशियस किचन रहने वाला है। इस तरफ हमें मिलने वाली है हमारी फर्स्ट बालकनी जो कि हमारे लिविंग एरिया से कनेक्टेड रहने वाली है। उसके बाद मिलेगा हमें पहला बेडरूम, उसके बाद में मिलेगा दूसरा बेडरूम। और मज़े की बात यह है कि दोनों बेडरूम्स के अंदर हमें मिलती है डेडिकेटेड बड़ी साइज़ की बालकनी। उसके बाद पहला हमारा जो कॉमन वॉशरूम रहने वाला है वो रहने वाला है मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड में, और जो दूसरा कनेक्टेड वॉशरूम मिलने वाला है वो मिलने वाला है हमें लास्ट बेडरूम के अंदर, कंबाइंड क्लब वॉशरूम। अब इस लिविंग एरिया से शुरू करते हैं। लिविंग एरिया के अंदर जो यूएसपी है इस फ्लैट की वो ये है कि इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे लेवल का काम करवा रखा है। जनरली डीडीए कंडीशन फ्लैट के अंदर आपको फॉल सीलिंग एंड ऑल नहीं मिलती है, बट यहाँ पे देखिए प्रॉपर फॉल सीलिंग करवा रखी है बहुत ही अच्छे कलर में, वाइट एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन लेके बहुत अच्छा कंट्रास्ट बना रखा है। और जो लाइट्स लगाई गई हैं यहाँ पे ऊपर, कंसील लाइट आप देख रहे होंगे, ये वार्म लाइटिंग करी गई है जो कि इस वॉल को, इस फ्लैट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है कलर टोन में। यहाँ पे आपको जनरली इस वाली वॉल के ऊपर इस तरह का कोई काम नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान किया गया है। यहाँ पे आपका टीवी पैनल हो जाएगा, इस टीवी पैनल के बैक साइड में भी स्टोरेज है, अगर आप देखते हैं तो इस तरह का स्टोरेज आपको मिल जाएगा जो कि आप सजाने के या फिर किसी भी यूटिलिटी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा कांच के साथ इन्होंने शेल्फ बना के दे रखे हैं जो इस तरह से ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे अपने आर्ट पीसेस लगाइए, इसको जगह को सजाइए और खूबसूरत बनाइए, ये आपके हाथ में है। अब जो नीचे आप देख रहे हैं तीन कैबिन ये जो बने हुए हैं, इसके अंदर भी बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। एक बार देखिए कितने अच्छे तरीके से, इस तरह का मैंने डिज़ाइन पहली बार देखा है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और ये सेम आपको तीनों पैनल सेम मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको यूटिलिटी स्पेस मिलता है थोड़ा सा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे लिविंग हॉल का साइज़ क्या होने वाला है। तो लिविंग हॉल का साइज़ हमें मिलने वाला है 16x11 फीट के अंदर। 16 फीट ये इस तरह से लंबा होने वाला है और 11 फीट ये इस तरह से चौड़ा होने वाला है। आप कहते हैं कि आपके लिविंग हॉल के अंदर आपको वेंटिलेशन कहाँ से मिलने वाली है, तो ठीक इस वॉल पे आप देख रहे होंगे, ये जो बड़ी सी आप विंडो देख रहे हैं ये हमारे शाफ्ट से कनेक्टेड है और शाफ्ट के अंदर आप अपनी आउटडोर यूनिट को लगा सकते हैं एसी की। फिलहाल ओनर ने इस हॉल के अंदर एसी की जो फिटिंग्स हैं, जो एसी के पाइप्स होते हैं वो भी लगा दिए हैं, वो आपके ठीक पीछे वाली वॉल पे आप देख सकते हैं, तो आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आने वाला है। एक बार फिर भी आप शाफ्ट का नज़ारा देख लीजिए, शाफ्ट कितनी गहरी और कितनी बढ़िया रहने वाली है। डोर देख रहे हैं, ये जो आप विंडो देख रहे हैं, इस विंडो के ऊपर आपको मेश स्लाइडर डोर और टफ एंड स्लाइडर डोर दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप किसी भी तरह से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जो एरिया दे रखा है ये होने वाला है हमारा विंडो एसी के लिए। बिना एक्स्ट्रा खर्चे के आप अपना विंडो एसी इस वाले कंपार्टमेंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे आएंगे, डीडीए कंडीशन में जनरली पार्टीशन एंड ऑल कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे ओनर ने थोड़ा सा थॉटफुल होके ये खूबसूरत से डिज़ाइन को, जो आप ये देख रहे हैं ये डिज़ाइन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में एक तरह से आपका पार्टीशन हो जाएगा आपका डाइनिंग एरिया और जो आपका लिविंग एरिया है उसके बीच में। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पल बनाने की पूरी भरपूर कोशिश करी गई और बहुत ही सुंदर टेम्पल बनाया गया है। ये होने वाला है आपका टेम्पल स्पेस, इसको कर देते हैं बंद और ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारा स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है। इस तरफ भी स्टोरेज है, इस तरफ भी स्टोरेज है और ये कांच के साथ में है, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा रख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि देखें लोग। ये होने वाला हमारा डाइनिंग एरिया। अगर डाइनिंग एरिया के साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ होने वाला है 10x11 फीट। 10 फुट आपको इस तरह से चौड़ा मिलेगा, 11 फीट आपको इस तरह से चौड़ा मिलेगा। ऊपर की तरफ एक बार नज़र मारिए, बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग हो रखी है। थोड़ा सा आगे आएंगे, ये होने वाला है हमारा किचन जिसके अंदर पूरा का पूरा मॉड्यूलर फिटिंग्स के साथ में ओनर ने काम करवाया है। साइज़ की बात करते हैं, 11 फीट बाय 6 फीट का साइज़ हमें मिलने वाला है। इस तरफ आप देखते हैं तो सॉफ्ट क्लोज फिटिंग्स के साथ में प्रॉपर यहाँ पे दराजें बनाई गई हैं, देखिए कितने प्यार से अपने आप बंद हो रही हैं। ऊपर की तरफ भी भरपूर स्टोरेज है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ओनर चिमनी इंस्टॉल करवा देंगे। ऊपर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेनाइट का मार्बल टॉप मिल रहा है और थोड़ा सा अंदर आए अगर तो इस तरफ हमें मिलता है डेडिकेटेड फ्रिज का स्पेस और साथ ही साथ थोड़े स्टोरेज ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिलते हैं।
मेरे राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो है, नेचुरल सनलाइट और नेचुरल एयर आने का पूरा पूरा यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है। ऊपर हमें एग्जॉस्ट इंस्टॉल मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप गीजर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट 5 फुट की हाइट तक आपको टाइल्स लगे हुए मिल रहे हैं आपके किचन के अंदर। यहाँ से चलते हैं हम अपने पहले बालकनी के अंदर जो कि कनेक्टेड होने वाली है हमारे लिविंग एरिया से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया नज़ारा मिलता है हमें हमारी बालकनी के अंदर। एक बार आइए, आप खुद इस चीज़ को बोलेंगे कि एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लंबाई की बात करते हैं, ये बालकनी हमें मिलती है ऑलमोस्ट 8 फुट की लंबाई में। चौड़ाई की बात करते हैं, ये मिलती है हमें 6 फुट की चौड़ाई में। और यहाँ पे दे रखा है हमें डेडिकेटेड वॉशिंग एरिया का स्पेस जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक बार आप इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए। ये होने वाली हमारी पहली बालकनी और तीनों ही बालकनी से आपको इस तरह का नज़ारा मिलेगा। ये नज़ारा हमेशा ऐसा ही रहने वाला है क्योंकि सामने जो भी बना हुआ है दैट इज़ ऑल मेड बाय DDA। ये इसी तरह का रहेगा, आपका जो व्यू है वो हमेशा इसी तरह का रहने वाला है। व्यू की बात करते हैं तो हमें तीनों बालकनी से सेम व्यू मिलता है, बहुत खूबसूरत। अब थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें हमारा पहला वॉशरूम। सो ये होने वाला है DDA कंडीशन का वॉशरूम। एक बार देखिए, साइज़ की बात करते हैं 6 फीट बाय 7 फीट का हमें साइज़ मिलता है। और अगर हम सामान की बात करते हैं क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ये रहा वेस्टर्न स्टाइल कमोड विच इज़ हिंडवेयर अनोन ब्रांड। वेंटिलेशन के लिए सामने एक विंडो मिलती है हमें, ऊपर एग्जॉस्ट फैन मिलता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बड़े साइज़ के अंदर एक शार लगा हुआ हमें मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉपर आपकी हार्डवेयर फिटिंग्स लगी हुई हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलता है वॉश बेसिन एरिया और वॉल्स पे आपको मिलते हैं टाइल और साथ ही साथ यहाँ पे एक मिरर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर और दाखिल होते हैं अपने पहले बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम के अगर साइज की बात करते हैं तो साइज होने वाला है 12 बाय 11। 12 फुट बाय 11 फुट का आपको साइज मिलता है इस बेडरूम के अंदर। इतने अच्छे कलर में पेंटेड वॉल्स हैं, मुझे लाइट कलर बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। आप फील कर पा रहे होंगे इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से, एक तो ये ब्यूटी को एनहांस करता है और दूसरी चीज़ काफ़ी स्पेशियस लगता है। एक बार ऊपर देखिए, फॉल सीलिंग कितनी प्यारी करवाई है, ब्लू कलर की कोव लाइट्स, साथ ही लाइट वार्म कलर की आपकी कंसील लाइट्स, और साथ में जो DDA कंडीशन में आपको नहीं मिलती है चीज़, वार्डरोब यहाँ पे ओनर ने बनवाई है, बहुत अच्छे स्पेस के अंदर बनवाई है। सबसे बढ़िया बात होने वाली है, ये होने वाला एकदम फ्रेश फ्लैट, फर्स्ट मूव इन आपका होगा इसके अंदर। और AC फिटिंग्स यहाँ पे आपको लगी लगाई दिख रही होंगी, जो एडिशनल खर्चा आता है AC को फिट करवाने में वो आपका नहीं होने वाला है। यहाँ से हमें मिलती है सेकेंड बालकनी। एक बार देखिए कितना अच्छे साइज के अंदर हमें यहाँ पे विंडो एंड ऑल मिल रहा है। बाहर आइए, अब ये मिलता है हमें हमारी सेकेंड बालकनी के अंदर स्पेस। दोबारा से एक बार ग्रीन व्यू देखिए इस तरफ का। यहाँ पे आपकी जो पहली कॉफ़ी होगी मॉर्निंग की, अगर इतने अच्छे व्यू के साथ में हो तो आपके दिन की शुरुआत ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती है। साइज़ की बात करते हैं, 7 फीट बाय 6 फीट, 7 फुट बाय 6 फुट के साइज़ में आपको ये बालकनी मिलती है। दूसरी बढ़िया चीज़, यहाँ पे भी हमें हमारी वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है, सॉकेट्स एंड ऑल प्री इंस्टॉल्ड। चलते हैं अपने फाइनल बेडरूम की ओर, जिसके अंदर हमें मिलने वाली है बहुत ही बड़े और बहुत ही ग्रैंड साइज के अंदर बालकनी। दोस्तों ये होने वाला है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम कहने का रीज़न क्यों है, सिंपल है। पहली बात तो स्पेस, इस बेडरूम का जो साइज़ होने वाला है वो होने वाला है 12 फीट बाय 12 फीट। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग साइज़ है इस साइज़ के बेडरूम के अंदर। काम की बात करते हैं तो देखिए, काम आपको TV पैनल एंड ऑल ओनर ने बना के दिया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लाइट येलो कलर की वॉल्स हैं और उसी को कॉम्प्लीमेंट करता है क्रीम कलर के अंदर यहाँ पे काम को रखा है। नीचे ब्राउन कलर का थोड़ा सा डिज़ाइन है और एक कॉपर फिनिश में लगा हुआ है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। दूसरी चीज़, इसके अंदर वेंटिलेशन बहुत खूबसूरत है। वेंटिलेशन के लिए साइज़ देखिए एक बार विंडो का, अगर आप इसे फुल टफंड में भी यूज़ करते हैं तो भी बहुत मज़ा आएगा। मैश लगा हुआ है ऑलरेडी, कबूतर जाली लगी है ऑलरेडी, तो वो वाली समस्या भी नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना है। एक बार छत पे नज़र डालिए, इतना खूबसूरत काम करवा रखा है, इस फ्लैट की ग्रेस को डबल कर दिया है इसने, लिटरली डबल कर दिया है। तीसरी चीज़, आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको AC फिटिंग्स मिल रही हैं, अगेन आपका खर्चा बच रहा है। अगर आप इस तरफ देख रहे होंगे कि ये कौन सा एरिया है,
तो ये होने वाला है हमारा डेडिकेटेड वार्डरोब एरिया, जिसके अंदर दो फुल साइज वार्डरोब्स बने हुए हैं। स्टोरेज की बात करते हैं, भरपूर स्टोरेज है, लेंथ बहुत अच्छी है इसकी, डेप्थ बहुत अच्छी है, ऊपर भी स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं हमें, इस तरफ भी और इस तरफ भी। वेंटिलेशन के लिए सामने यहाँ पे एक विंडो दे रखा है, इस रूम की वेंटिलेशन डबल हो जाती है, ये शाफ्ट से कनेक्टेड है। ये होने वाला है हमारा सेकंड वॉशरूम और कनेक्टेड वॉशरूम आपके मास्टर बेडरूम से। साइज की बात करते हैं, एक बार अंदर है, मैं आपको साइज दिखाता हूं। सो ये होने वाला है इसका साइज, लंबाई में होने वाला है 7 फीट और चौड़ाई में होने वाला है ये 5 फीट। 7x5 के साइज में आपको ये वॉशरूम मिलता है, सेम अमेनिटीज के साथ जो आपको मिल रही थी आपके कॉमन वॉशरूम में। इस तरफ भी हमें वेंटिलेशन मिलता है और शावर एंड ऑल प्री इंस्टॉल मिलता है। वापस आ जाते हैं अपनी लास्ट और फाइनल बालकनी के अंदर। ये इस फ्लैट का सबसे बड़ा USP है, इस फ्लैट की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी बालकनी है। एक बार आके इस बालकनी के व्यू को देखिए, इस बालकनी के साइज को देखिए और यहाँ से जो हमें नीचे का व्यू मिलता है एक बार उस पर नज़र डालिए। ये होने वाला है वही सोसाइटी पार्क जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो के अंदर। ये हमारी पार्किंग का रास्ता है शुरू में जो आपको दिखाया था, सामने का व्यू आपको दिखा चुका हूँ। सामने वो जो स्कूल देख रहे हैं, दैट इज प्रूडेंस स्कूल। साइज की बात करते हैं तो इस बालकनी की जो लंबाई है, 12 फीट की लंबाई हमें मिलती है इस बालकनी के अंदर, और चौड़ाई की बात करते हैं तो 6 फीट की हमें चौड़ाई मिलती है इसके अंदर। इसके अंदर आप अपना सिटिंग स्पेस बना सकते हैं और भी जिस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये फ्लैट बहुत पसंद आया, मे बी बिकॉज ऑफ इसकी हाइट, ये हाइट काफ़ी ऊपर है तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, हवा तो बहुत अच्छी आ ही रही है। बाकी आपके ऊपर है, आपकी पर्सनल चॉइस क्या कहती है। आशा करता हूँ आपको ये वाला फ्लैट पसंद आया होगा। अगर आपको ये फ्लैट पसंद आया है तो ये रहा फ्लैट कोड, हमें जल्द से जल्द कॉल करें, इस फ्लैट को बुक करें। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। अगर इसी तरह का एड फ्री कंटेंट आप आगे भी इस चैनल पर वॉच करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,